बोकारो के हरला थाना में टायर चोरी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोकारो टाउन सर्किल इलाके से लगातार चार पहिया वाहनों की टायर चोरी के मामले में गठित एसआईटी को सफलता मिली। सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई वाली एसआईटी ने टेक्निकल सेल की मदद से बोकारो और धनबाद के कई इलाकों में छापेमारी कर चार पहिया से चोरी किए गए 17 टायर व मोटर पार्ट्स बरामद किए। साथ ही बोकारो और धनबाद से घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में से 4 बोकारो के तथा 1 धनबाद का निवासी है। एसपी पूज्य प्रकाश ने बोकारो के हरला थाना में बताया कि कुल 9 मामले टायर चोरी के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। घटना में प्रयुक्त ब्रिजा कार भी बरामद की गई है। इस कार से चोरों द्वारा दिन में रेकी की जा रही थी और रात में घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि घटना का उद्भेदन भी कर लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि सिटी डीएसपी समेत 4 थानेदार, 4 जमादार तथा 2 आरक्षी को पुरस्कृत किया जाएगा। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। पार्किंग में गाड़ियों का टायर चोरी हो रहा था। हाल में 23-24 हरला थाना प्रांत संख्या में टायर की चोरी हुई थी, जिस संदर्भ में अनुसंधान के क्रम में एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन पर उन्होंने बताया कि विगत जो 2-3 महीना में 9 गाड़ियों में जो चोरी हुई, इसी टीम के द्वारा किया गया है। उनके निशानदेही के आधार पर अन्य जो शामिल अभियुक्त करने थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके निशानदेही पर जो चोरी किए गए टायर अब क्रय करने वाले धनबाद का जो ड्यूटी कार जो एक दुकान चलाते थे वहां से भी कुछ चोरी हुए टायर बरामद किया गया है। सर, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई और कहां कहां से हुई है? इसमें कुल 4 लोग, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 जो गिरोह चलाते थे उनकी गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति जो चोरी हुए टायरों का क्रय करता था, उनको गिरफ्तार किया गया। ये करते क्या थे, किस ढंग से चोरी घटना को अंजाम देते थे? और अपना जो टारगेट था उसको फिक्स करते थे और रात में निकल कर जब देखते थे वहाँ आस पास में कोई व्यक्ति नहीं है, वो जाकर टायर खोल लेते थे। तो फिर 1-2 दिन के बाद धनबाद में कार व्यक्ति दुकान में जाकर बेच देते थे। इन नया गाड़ियों को निशाना बनाता था, नया गाड़ी के अपना सुबह में जब ये रेकी करते थे उसमें टारगेट फिक्स करते थे, क्योंकि नए गाड़ियों में ही अलॉय व्हील है। तो इनका मेन प्राथमिकता रहता था कि अलॉय व्हील वाले गाड़ियों को चिन्हित किया जाए और उनको अपना। सर, कहाँ के रहने वाले हैं ये जो भी पकड़े गए हैं गिरोह के लोग, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है? सर, इसमें से कोई नाबालिग भी है? नहीं, कोई नाबालिग नहीं है। ठीक है, और सब बोकारो के रहने वाले हैं।